हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचली मधु वर्मा में। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना आलू का छिलका निकाल रही हूँ। आलू मैंने उबाल दिए थे, तो देखिए मैं छिलका निकाल दी और अब मैं इसके लिए मतलब हमारे घोटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वही बोलूँगी आप लोगों को भी। तो देखिए, मैं लहसुन का छिलका निकाल दिया और आधी प्याज थी मेरे पास और आधी मैं प्याज काटती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो अच्छे लगते हैं इस तरह से सब्जी। तो यहाँ पे मैंने इसमें जीरा और ये साबुत धनिया, लाल मिर्च डाल दी और अच्छे से इनको कूटूंगी। तो देखिए आप लोग भी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया गर्म होने को, जिससे मैं इसको कूटूंगी ना, ये मसाला कूटूंगी तो उसमें हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये मसाला भी कूट दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस दरदरा सा करना है। और अब मैं आलू मैश कर दूंगी। हाथ से मैश करूंगी ना तो अच्छे रहते हैं, मतलब अगर छुरी से इस तरह से मेरे को अच्छे नहीं लगते, मैं इसी तरह से मैश करती हूँ हाथ से ही। तो देखिए ये हमारा तेल हो गया गरम। अब मैं इसमें मतलब साबुत जीरा और धनिया डालूंगी और बाकी सब तो मैंने उसी में डाल दिया मिक्स करके। तो देखिए आप लोग भी इस तरह से, और टेस्टी बनती है सब्जी, अच्छी बनती है। हम लोग ऐसे मतलब ज़्यादा ना तो तेल ऑयल वाला खाना ज़्यादा खाते हैं ना फिर चटपटा, सिंपल तरीके से, और इससे अपने फिटनेस भी अच्छी रहती है। तो ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा ऑयली या कुछ भी मिर्च वाला तो अपने कोई दिक्कत देता है। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा आटा, आप लोग बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा डाला और अच्छे से मैं भून लिया और आलू डाल दिए। अब फिर मैं इसमें लस्सी ऐड कर दी। तो आप लोग दही भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने मतलब चावल के साथ उस हिसाब से दही या लस्सी ऐड करनी है तो अच्छे थे। बस मैंने इसमें सिर्फ बाद में सिर्फ पानी भी ऐड नहीं किया, क्योंकि ये सुबह की लस्सी थी, ताज़ा थी और अच्छी थी। तो गांव में सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। तो देखिए इस तरह से मेरी सब्ज़ी हो गई तैयार और धनिया की पत्तियाँ ऐड किया, बाकी कुछ नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।